Hey guys, and अगर आप गॉड के पक्के वाले फैन हो तो आपने हाल ही में आए HOD यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के टीजर में एक मेजर डिफरेंस नोटिस किया होगा और वो है गॉड के आयरन थ्रोन और इस सीरीज के आयरन थ्रोन के बीच का फर्क, जहाँ पर ये थ्रोन स्ट्रक्चर में काफी बड़ा है और ये काफी छोटा और इसमें ब्लेड्स भी कम हैं। तो इसका रीजन क्या है? और कमाल की बात यह है कि गॉड के सीजन 2 में ही इसका रीजन एक्सप्लेन कर दिया है। अब वो क्या है तो ये जानने के लिए वॉच वीडियो टिल द एंड। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें इस आयरन थ्रोन के इतिहास के बारे में तो इसे सबसे पहले बनाया था एगन द कॉन्करर ने, जिसे बनाने के लिए उसने करीबन 1000 तलवारों का यूज किया था और वो तलवारें उसके दुश्मनों की ही थी। और फिर बाद में उसे ड्रैगन फ्लेम की मदद से हीट भी किया था और वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि उसी का था, जिसका नाम था बेलेरियन। एंड ये सबके बाद तैयार हुआ ये आइकॉनिक आयरन थ्रोन, जिसे उसने सबसे पहले अपने लकड़ी के बने हुए कासल में रखा था, जिसका नाम था एगन फोर्ट। और आगे चलकर यही एगन फोर्ट बनता है किंग्स लैंडिंग। अब क्योंकि इस सीरीज की कहानी गॉड के इवेंट से करीबन 200 साल पुरानी है, तो इसीलिए इस थ्रोन का पूरा लुक ही चेंज कर दिया है, जो कि पहले से साइज में काफी बड़ा है, इसमें ब्लेड्स ज्यादा हैं और साथ ही ये जॉर्ज आर.आर. मार्टिन के थ्रोन से भी काफी मिलता है, यानी कि उनके इमेजिनरी थ्रोन से। पर क्वेश्चन अभी भी यही निकल के आता है कि इस थ्रोन को ऐसा बनाने के पीछे रीजन क्या है। वेल, वो रीजन एक्सप्लेन किया है जॉफरी ने गॉड के सीजन 2 में, जहां पर सर्सी जब ग्रेट हॉल में एंटर कर रही होती है तो वहां पर जॉफरी अपने वर्करों से इस रूम को रीडेकोरेट करने को कहता है। और जब सर्सी बोलती है कि ऐसा क्यों, तो वो कहता है ही इज रिटर्निंग द रूम टू इट्स प्रॉपर अपीयरेंस, यानी कि वो इस रूम को वापस से उसकी सही हालत में ला रहा है, जैसा कि ये डिजर्व करता है। और यहाँ पर जॉफरी ने एक लाइन भी कही है, दैट इज द सीट ऑफ ए कॉन्करर, इट नीड्स अ रूम दैट मैच इट, नॉट वाइन्स एंड फ्लावर्स, यानी कि ये एक कॉन्करर की गद्दी है और इसे ऐसा ही रूम चाहिए जो कि इससे मैच करे, ना कि इन फूल पत्तियों से। वैसे बात तो अच्छी है, बट जॉफरी वॉज नॉट ए कॉन्करर। और वैसे भी हर एक किंग की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो इस थ्रोन को कैसे देखना चाहते हैं, और इसीलिए किंग रॉबर्ट ने इस थ्रोन से एक बहुत बड़ा पार्ट रिमूव किया था और वो है टारगेरियन ड्रैगन स्कल्स, यानी कि टारगेरियन ड्रैगन की हड्डियाँ। अब क्योंकि कहानी में पूरे 200 साल का अंतर है, यानी कि इस बीच कितने राजा आए और गए और सभी ने अपने मन मुताबिक इस थ्रोन में चेंजेस किए होंगे और कुछ ने तो इसमें से ब्लेड्स भी निकाल दिए होंगे, तो इसीलिए ये थ्रोन ऐसे से ऐसा हो चुका है। पर जब बात हो रही है रियल कॉन्करर टारगेरियंस की, तो उनने इस थ्रोन को खतरनाक बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी होगी और यही रीजन है कि ये थ्रोन गॉड के थ्रोन से काफी बड़ा और अच्छा है। और आपको इनमें से कौन सा थ्रोन सबसे अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे तो HOD वाला। और अगर इस सीरीज की स्टोरी, कास्ट, प्लॉट, इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो इन सब के ऊपर वीडियोस पहले से ही बना दिए हैं, ये रही प्लेलिस्ट, जाके क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर सब कुछ डेट वाइज अपलोडेड है। तो बस फिर आज के लिए तहीं एंड, अगर गलती से वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप करते नहीं हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।